हेलो फ्रेंड, वेलकम इन मेक स्टिचिंग इजी। आज की वीडियो में हम 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए इस डिज़ाइनर मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया है, साथ ही मैंने ये जिप ली है जो मैं बैक पार्ट में अटैच करूँगी। तो सबसे पहले कपड़े को खोल के इस तरह से हम इसे 4 लेयर में रख लेंगे। इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर में रख लिया है। इसकी जो विड्थ है, जितनी आप नीचे इसकी घेर चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे फोल्ड करें, 4 फोल्ड। इसमें ज़्यादा घेर नहीं होती है, मैंने इसे लगभग 12 इंच तक 4 फोल्ड में रखा है। इस तरह से बराबर से इसे रख लेंगे। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं क्योंकि कपड़ा ऊपर से अनइवन है। और उसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग मार्क करें। तो मुझे ये 22 इंच की रेडी चाहिए और इसमें हम लगभग 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले लेती हूँ। इस तरह से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। और इसके बाद हम यहाँ बंद वाली साइड से शोल्डर मार्क करेंगे, वो मैं 5 इंच मार्क करूँगी। आर्म होल भी हम 5 इंच मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे और इसके बाद हम इसकी चेस्ट मार्क करेंगे। तो जितनी भी बेबी की चेस्ट है उसका 1/4 लें, उसमें लगभग 2 इंच का मार्जिन लें। साथ ही इसमें 1/2 इंच हम और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे क्योंकि हम बैक पार्ट में इसकी जिप लगाएंगे। तो मैंने टोटल 8.5 इंच लिया है। और इसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट लेंथ मार्क करेंगे। मैं 9.5 पे मार्क कर रही हूँ। वेस्ट के लिए भी जितनी वेस्ट है उसमें लगभग 2 इंच का मार्जिन लेना है और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस तरह से नीचे तक हम इसे मिला लेंगे। और यहाँ नीचे की साइड देखिए, यहाँ 2 इंच मार्क करेंगे और इसे गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई देंगे ताकि इसके कोने ना निकले। यहाँ आर्म होल में गोलाई देंगे और इसके बाद हम इसकी नेक मार्क करेंगे। नेक विड्थ मैं 2 इंच मार्क करूँगी और नेक डीप बैक के लिए मैं 2 इंच मार्क करूँगी और फ्रंट के लिए 2.5 इंच मार्क किया है। दोनों में हम इसे राउंड शेप देंगे इस तरह से। 1/2 इंच यहाँ ड्रॉप कर देंगे शोल्डर पे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक से इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे बैक का और फ्रंट पार्ट की नेक हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है और अभी हम बैक का पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को सेंटर से हम नीचे तक कट कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है और सेंटर से इसे कट कर लेना है। तो उस तरह से मैंने इसे 2 पार्ट में कट कर लिया बैक पार्ट को। और अभी हम इसमें जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम नाप के देख लेते हैं। इस तरह से रखते हुए हम इसमें अटैच करेंगे 1/2 इंच फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे हम नाप लेंगे और जहाँ तक जिप हमारी आती है उसके नीचे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ तक हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे जैसे हम स्लिट में सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली है
और उसके बाद इस तरह से जो कपड़ा है ऊपर तक हम फोल्ड करते हुए एक बार इसमें हम प्रेस लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम प्रेस लगा लेंगे ताकि कपड़ा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें जिप अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए जिप को यहाँ रखते हुए इसे हम अटैच करेंगे। तो हम यहाँ इसे पहले पिन से फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पिन से फिक्स कर दिया और उसके बाद कपड़े को इसी तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ बिल्कुल जिप के पास से होते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसकी दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, यहाँ नीचे की साइड से। तो देखिए मैंने जिप इसकी अटैच कर ली है और इसके बाद हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो फ्रंट का पार्ट भी हम ले लेते हैं, सीधी साइड अंदर रखेंगे और बराबर से बिल्कुल मिलाते हुए इसके शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो इसके शोल्डर्स मैंने अटैच कर लिए हैं। अभी इसकी आर्म होल्स और नेक हम तैयार करेंगे। तो ये मैंने क्रॉस स्ट्रिप ले ली है। स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दो बार फोल्ड करते हुए यहाँ पे नेक में हम इसे अटैच करेंगे। इस तरह से दूसरी साइड तक हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने आर्म होल में और नेक में स्ट्रिप अटैच कर ली है। अभी इसमें हम छोटे छोटे कट्स बना लेंगे इस तरह से। नेक में भी हम इसी तरह से छोटे छोटे कट्स बना लेंगे। और कट्स बनाने के बाद हम स्ट्रिप को अंदर की साइड टर्न करेंगे। स्ट्रिप को बिल्कुल अंदर की साइड रखते हुए इस पे हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से स्ट्रिप को बिल्कुल अंदर की साइड करेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। नेक में भी इसी तरह से यहाँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे और स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी नेक और आर्म होल तैयार कर ली हैं। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से उल्टे साइड से रख लेंगे और एक बार हम फिर से इसे नाप लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे, यहाँ वेस्ट में भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और सेंटर से एक साइड हम चेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे, दूसरी साइड भी चेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे और इसके बाद वेस्ट का भी हम 1/4 मार्क करेंगे। दोनों साइड में और नीचे तक इसे एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। साथ ही नीचे से इसकी घेर को भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और नीचे से इसकी घेर को भी फोल्ड कर लिया है। और अभी हमें जो इसमें पैटर्न बनानी है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने ये दो इस तरह के चार पीसेस ले लिए हैं। लेंथ इसकी देखिए मैंने 11 इंच ली है और विड्थ इसकी 6.5 इंच है। और
इस तरह से दो पीसेज हैं हमारे, चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा हिस्सा खुला रखेंगे इसे पलटने के लिए। इसकी दोनों सीधी साइड अंदर की साइड है, तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा के इसे पलट लिया है। इसके बाद हम इसे अटैच करेंगे, तो यहाँ हम शोल्डर पे अटैच करेंगे। इसका सेंटर मार्क कर लेंगे हम इस तरह से दोनों साइड में। उसके बाद शोल्डर से ये सेंटर मिलाते हुए यहाँ छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते हुए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अभी हम इसे पिन से अटैच कर लेते हैं। और ठीक इसी तरह से दूसरी शोल्डर में भी हम इसका दूसरा पार्ट अटैच करेंगे, या हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये दोनों शोल्डर पे इसे अटैच कर लिया है, सिलाई लगा ली है। इस तरह से ये हमारी पैटर्न आएगी। इसके ऊपर हम ये मोती फिक्स करेंगे, तो इसे हम सुई की हेल्प से इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें सुई से इसे स्टिच कर लेना है इस पे। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पे ये मोती इसमें अटैच कर ली है। ड्रेस हमारी बनके रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।